हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब जो है, हम आपको बता दूं कि हम जो है चित्रकारों से संबंधित आपको एक क्लास डेली मिलेगी, जिसमें आज हमारी जो है तीसरे चित्रकार हैं जो कि वो शैली के जन्मदाता हैं, बंगाल शैली के सबसे अच्छे कलाकार हैं, बंगाल शैली के प्रणेता हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको दो चित्रकारों की क्लास आपको पहले दे दी हैं, आप जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। एक तो मैंने आपको राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ाया है, दूसरा ईवी हेवेल के बारे में आपको क्लास दी है। आज जो ये तीसरी क्लास है चित्रकारों से रिलेटेड, जो है अवनींद्रनाथ टैगोर की है। तो आज की वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। जो जो इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे वो इनके चित्रों से हो, चाहे वो इनके जन्म से हो, शिक्षा से हो, कहीं से भी आपके क्वेश्चन हो, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं इसे। हमारा है जो अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, इनका सबसे पहले देखते हैं। देखिए, इनका तो आपको जन्म याद करना होगा, क्योंकि ये सबसे अच्छे कलाकार थे, बंगाल शैली के ही ये प्रणेता थे। तो इनका आपको जन्म याद करना पड़ेगा। तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 को इनका जन्म हुआ था। देखिए, आपको बता दूं, जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे इनका जन्म तो 7 अगस्त 1871 को हुआ था। और आपको पता है जो इनके चाचा हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनका जन्म इनसे 10 साल पहले 1861 को हुआ था। कब हुआ था? आपको यहाँ से ट्रिक से याद रख लेना है, इनके चाचा का जन्म इनसे 10 साल पहले, और इसी तरह से ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका जन्म 1871 को कहाँ पर हुआ था? जोराशांको कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, और जन्माष्टमी के दिन हुआ था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वह बंगाल शैली का वह कौन सा कलाकार है जिसका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो आपको याद रखना है अवनींद्रनाथ टैगोर। अब है इनकी जो मृत्यु थी, मृत्यु कब हुई थी? तो 5 दिसंबर 1951 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1951 को कोलकाता में। देखिए, मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ का जन्म इनसे 10 साल पहले हुआ। कब हुआ? 1861 को हुआ। कब हुआ? 1861 को हुआ। यहाँ पर अब इनकी अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु है 1951 में इनकी मृत्यु हुई, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? तो 1941 को। तो यहाँ पर उनसे 10 साल पहले उनका जन्म हुआ और 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। आपको ये याद रख लेना है कि इनकी रविंद्रनाथ टैगोर की। अब है जो इनके पिता थे, तो इनके पिता कौन थे? गुणेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? इनके पिता थे। इनकी पत्नी थी सुहासिनी देवी। कौन थी इनकी पत्नी? सुहासिनी देवी इनकी पत्नी थी। और इनके बड़े भाई का क्या नाम था? गगनेंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट और प्रथम घनवादी चित्रकार थे। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके बड़े भाई थे गगनेंद्रनाथ टैगोर। अब है इनकी बहन का क्या नाम था? इनकी बहन थी सुनैनी देवी। किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो ये भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी। देखिए, इनका जो परिवार था, कह सकते हैं जो इनका पूरा ही मतलब एक पीढ़ी से जो थे, कितना अच्छा इनका परिवार था, कितनी अच्छी अच्छी ये हस्तियाँ थी जो कि सभी ने इन्होंने नाम कमाया। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर इनके चाचा कितने अच्छे साहित्यकार भी थे, कलाकार भी थे, कवि भी थे। तो आप देख सकते हैं वहीं पर अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर इनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो आप इनसे देख सकते हैं। तो इनकी बहन भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी।
आगे हैं इनकी शिष्या, इनकी शिष्या के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रानी चंद्रा, रानी चंद्रा इनकी शिष्या थी जो मुकुल चंद्र डे की बहन थी। रानी चंद्रा इनकी प्रमुख शिष्य थी जो कौन थी, मुकुल चंद्र डे की बहन थी। अब है इन ये जो प्रसिद्ध थे, किस किस रूप में ये प्रसिद्ध थे तो आपको बता दें, ये क्या थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार भी थे, नाटककार भी थे, रंगमंच कलाकार भी थे, एक लेखक और कला शिक्षक, कला समालोचक और अच्छे संगीतकार भी थे। तो आपको ध्यान रख लेना है, चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, रंगमंच कलाकार, लेखक, कला शिक्षक, कला समालोचक और संगीतकार। लेकिन इसमें भी जो सबसे मुख्य रूप से थे, सबसे मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध थे, किस रूप में थे, तो ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अब है इनकी जो शिक्षा हुई थी तो वो कहाँ पर हुई थी, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में सिनोरथि गिलहार्डी से इनकी शिक्षा हुई थी। इन्होंने जो इनके गुरु थे गिलहार्डी, अब है इनके गुरु के बारे में देख लेते हैं। जो इनके गुरु थे चार्ल्स पामर, एक गुरु थे इनके चार्ल्स पामर, जिनसे इन्होंने रेखा चित्र बनाने का प्रशिक्षण लिया था। रेखा चित्र बनाने का प्रशिक्षण जो लिया था, किससे लिया था, चार्ल्स पामर से। और वहीं पर जो इतावली कलाकार गिलहार्डी थे, उनसे कौन से रंगों की शिक्षा प्राप्त की थी, तो जो गिलहार्डी थे उन्होंने पेस्टल रंगों की व तैल रंगों का इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रेखा चित्र बनाने का जो प्रशिक्षण लिया, किससे लिया, चार्ल्स पामर से, और गिलहार्डी से पेस्टल रंगों व तैल रंगों का इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया। वहीं पर जो हिसीदा और याकोहामा ताइकान थे, जो जापानी वोस तकनीक के अच्छे कलाकार थे, तो इन्होंने जापानी वोस तकनीक की शिक्षा इनसे प्राप्त की थी, किससे, हिसीदा व याकोहामा ताइकान से। अब है आपको बताया कि ये एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, तो इन्होंने इनकी जो आत्मकथा थी कौन सी थी, जोरा शाको धारे, इनकी आत्मकथा थी जोरा शाको धारे। वहीं पर इनके चित्रों का जो विषय था, इन्होंने एक चित्र जो बनाए थे, अपने चित्रों का जो आधार बनाया था, किसे बनाया था, तो भारतीय विषयों को इन्होंने अपने चित्रों का आधार बनाया। इन पर जो प्रभाव था वो किस किस का, यहाँ पर इनके चित्रों पर प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो राजस्थानी शैली का भी, मुगल शैली का, पहाड़ी का और अजंता के चित्रों का इन पर प्रभाव रहा था। वहीं पर जो सर्वाधिक प्रभाव पूछा जाए तो जो सर्वाधिक प्रभाव था वो किसका था, मुगल शैली का था। तो सर्वाधिक प्रभाव किसका था, मुगल शैली का था। देखिए आपको ये क्लास कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर लाती रहूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने चाचा रविंद्रनाथ के कहने पर, जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, इनके चाचा थे रविंद्रनाथ, उनके कहने पर क्या किया था, चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली का अध्ययन करके उन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया था। देखिए यहाँ पर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली का पर आधारित चित्रों का निर्माण किसने किया, तो किसने किया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। अब है इनका जो चित्र है, जो भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है, तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर का कौन सा है, तो जो शुक्ला भिसारे भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है, आपको याद रखना है। अब आगे है कि ईवी हैवेल से इन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहाँ पर मुलाकात की थी, तो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में जब ईवी हैवेल आए थे, कब आए थे, 1896 में आए थे प्रिंसिपल के पद पर। उस समय ये अस्थाई शिक्षक थे यहाँ पर कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। तो
को यहीं पर इनकी ईवी हैवेल से मुलाकात हुई थी। अब आगे हैं कि भारतीय शिल्प सडांग के लेखक, देखिए भारतीय शिल्प सडांग क्या है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है जिसमें हम युद्ध की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जो यशोधर पंडित कृत द्वारा जो जयमंगला है, यशोधर कृत जो जयमंगला है उसके जो टीका की थी, तो वो जयमंगला की जो टीका की थी किसने की थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। वही क्या है, शिल्प सडांग है, भारतीय शिल्प सडांग है। इन्होंने किस नाम से की थी, तो सिक्स लिंबल्स, तो ये भारतीय शिल्प सडांग के नाम से इन्होंने इसकी टीका की थी, किसकी, जयमंगला की। तो यहाँ पर आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय शिल्प सडांग के लेखक कौन हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना, देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर की थी। तो यहाँ पर इन्होंने, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर कई जो क्वेश्चन बताए गए हैं, गगनेंद्रनाथ भी सही बताया गया है और अवनींद्रनाथ टैगोर भी सही बताया गया है। तो यहाँ पर जो दोनों भाइयों ने मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। आगे है कि ये कलकत्ता विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य बने थे, जो किस रूप में थे, अस्थाई थे। तो ये जो थे अस्थाई प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने थे 1905 में। जब ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में थे तभी इन्होंने एक चित्र बनाया था, कौन सा, भारत माता का चित्र बनाया था, जो 1905 में बनाया था वो शैली में। इसके बाद ये जो बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल शैली के प्रणेता या बंगाल शैली के संस्थापक, बंगाल शैली के जनक, बंगाल शैली के पितामह, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कौन होंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। अब देखते हैं हम इनके जो प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं इन्होंने एक चित्र बनाया था भारत माता, जो कब बनाया था, 1905 में बनाया था, किस पद्धति में बनाया था, तो वॉश पद्धति में इन्होंने ये चित्र बनाया था, वॉश पद्धति में, और जो कहाँ पर संग्रहित है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में ये संग्रहित है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए इनका जो फेमस चित्र हैं उनको आपको कहाँ पर संग्रहित हैं ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। तो जो भारत माता है ये कहाँ पर है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, और किस पद्धति में बना है, तो वॉश पद्धति में बना है, कब बनाया गया है, 1905 में। अब देखते हैं आगे इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं कौन कौन से हैं, एक है गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता। देखिए यहाँ पर जो बुद्ध के चित्र पाए गए हैं वो इसलिए पाए गए हैं क्योंकि इनके चित्रों पर अजंता चित्रों की क्या थी, अजंता चित्रों का इनके चित्रों पर प्रभाव था, तो यहाँ पर इन्होंने बुद्ध से संबंधित चित्र इसलिए बनाए हैं। दूसरा है तिक्षरक्षिता, ताजमहल, शाहजहाँ की मृत्यु। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शाहजहाँ की मृत्यु किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। वहीं पर जीवन संध्या, कोहरावे संध्या, दिवाली, कमल पद्म पत्र पर अश्रुपात, औरंगजेब का बुढ़ापा, राज्य पुस्तकालय, जो औरंगजेब का बुढ़ापा है ये कहाँ पर है, राज्य पुस्तकालय रामपुर में ये संरक्षित है। तो देखिए आपको इम्पोर्टेंट जो चित्र हैं उनके नीचे मैं लाइन खींच रही हूँ, शाहजहाँ की मृत्यु, औरंगजेब का बुढ़ापा, जो कहाँ पर है, राज्य पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में है, और है कृष्ण चरित्र, स्वतंत्रता का स्वपन, रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट चित्र है, रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण, उमर खयाम, देखिए उमर खयाम जो चित्र है कई चित्रकारों द्वारा बनाया गया है, जो उमर खयाम चित्र है वो कई कलाकारों द्वारा बनाया गया है, जिसमें कौन कौन हो जाएंगे, एक तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, असित कुमार हल्दार ने भी ये चित्र बनाया है, किसने, असित कुमार हल्दार ने भी। अब आगे है शकुंतला,
दीन बंधु एंड्रूज, विरही यक्ष, यात्रा का अंत, जो 1913 ईस्वी में राष्ट्र बनाया था, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। और है कैलाश की कल्पना, जो कागज़ पर है वो उसमें टेम्परा माध्यम में ये बना हुआ है। आगे है नटीर पूजा, नटीविद एक तारा भी कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, वहीं पर जो पेस्टल रंग में ये बना हुआ है। मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध, तो ये भी इनका चित्र है। अब आगे हैं, देखिए इन्होंने कास्ट मूर्तियां भी बनाई थी, जो कि काटुम कुटुम की इनकी एक अलग तरह की शैली थी, जिसमें इन्होंने ये मूर्तियां बनाई थी। तो इनके द्वारा जो बनाई गई काटुम कुटुम की कास्ट निर्मित कृति है उल्लू, जो 10x7x6 सेंटीमीटर है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। कौन सी है? उल्लू है। आगे है, एक इन्होंने बनाई थी काटुम कुटुम की कास्ट मूर्ति पक्षी के साथ आत्मचित्र है, तूफान में पक्षी है, पात्र है, ये सभी जो है काटुम कुटुम की इनकी कास्ट मूर्तियां हैं। तो इन्होंने जो लकड़ी पर इन मूर्तियां बनाई है, कास्ट क्या होता है? लकड़ी। तो जो ये सारी मूर्तियां हैं ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। आगे है, इनके द्वारा बनाई गई जो प्रमुख चित्र श्रृंखला है, इनके द्वारा बनाई गई प्रमुख चित्र श्रृंखला कौन सी है? तो अरेबियन नाइट्स जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई प्रमुख चित्र श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने बच्चों के लिए अवन ठाकुर नामक पुस्तक भी लिखी थी। अब पूछा जा सकता है कि बच्चों के लिए अवन ठाकुर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने रविन्द्रनाथ की पुस्तक जो थी चित्रांगदा, उसके लिए कितने चित्र बनाए थे? तो 32 रेखा चित्र इन्होंने बनाए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा के लिए रेखा चित्र किसने बनाए थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए थे जो 32 रेखा चित्र थे। आगे बढ़ते हैं, ये वो चित्रांकन के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे धरातल के रूप में कौन सा कागज़ प्रयोग करते थे? तो इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर होता था, वो उसे ये क्या करते थे, वो चित्रांकन के लिए प्रयोग करते थे धरातल के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं कि 1921 से 1929 के मध्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्यरत अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो व्याख्यान दिया था वह किस नाम से संग्रहित है? तो वह जो है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। आगे है कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए जो भारत माता चित्र है उसमें क्रांतिकारियों ने नए जोश का संचार किया था। तो क्या किया था? क्रांतिकारियों ने नए जोश का उनमें संचार किया था। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, इन्होंने किस किस किन किन ग्रंथों की रचना की थी? तो एक शकुंतला है जो 1895 ईस्वी में इन्होंने रचा था, ये रचित ग्रंथ हैं। और है भारतीय शिल्प षडांग जो 1909 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, साथ ही साथ षडांग हैं जो 1914 में, और बंगलार व्रत 1919 में। फिर से सुनिए, शकुंतला 1895, भारत शिल्प परिचय 1909 ईस्वी में। देखिए ये षडांग अलग है और ये भारत शिल्प परिचय अलग है, तो आपको ध्यान रख लेना है, भारत शिल्प परिचय 1909 और षडांग 1914, और वहीं पर बंगलार व्रत 1919 ईस्वी में इन्होंने ये ग्रंथों की रचना की थी।
और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है कौन सी है, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और जो थे देखिए ये फिर से आ गया कि वो चित्रांकन के लिए धरातल के रूप में इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर का ये प्रयोग करते थे। इन्हें आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है या कहा जाता है। तो सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है किसको, अवनींद्रनाथ टैगोर को। वहीं पर वॉस पेंटिंग का प्रारंभ शांति निकेतन कला महाविद्यालय से कोलकाता से हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि वॉस पेंटिंग का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो शांति निकेतन कला महाविद्यालय कोलकाता से हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि जो सिस्टर निवेदिता थी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इनकी एक पेंटिंग थी भारत माता, वो ले जाना चाहती थी। तो ये आपसे पूछा गया है और यहाँ पर कि जो सिस्टर निवेदिता थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सी पेंटिंग ले जाना चाहती थी, तो वो भारत माता इनकी पेंटिंग ले जाना चाहती थी। अब है देखिए इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके शिष्यों ने वॉस शैली का कहाँ कहाँ पर जाकर प्रचार किया था, उनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इनके शिष्य को भी आपको ज़रूर पढ़ना है। इनसे जो शिक्षा प्राप्त की थी, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्रनाथ डे, शारदा चरण उकील, अब्दुल रहमान चुगताई, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, मुकुल चंद्र डे, सुरेंद्र गांगुली और रविशंकर रावल, के वेंकटप्पा। तो यहाँ पर इतने सारे इनके जो थे इनके शिष्य थे जिन्होंने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार भी किया और इनसे शिक्षा प्राप्त की। देखिए बंगाल शैली का आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि के वेंकटप्पा जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो के वेंकटप्पा को क्या कहा जाता है और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आपके लिए ये क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आज की क्लास यहीं तक है। तो इन्होंने समाज की बुराइयों को किस माध्यम से उजागर किया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने समाज की बुराइयों को मुखौटों के माध्यम से उजागर किया था। तो ये थी आज आपकी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।